हेलो गाइस, मैं हूं राजस्थान और आप सबका स्वागत है इवोल्यूशन कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का सेकंड वीडियो, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे इमेज। एक सिंपल सा टॉपिक अपन ने अब तक पढ़ लिया था कि लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये टॉपिक अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए। तो आज जो अपना टॉपिक है बेटा, वो है इमेज, कि इमेज क्या होती है। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है और उसकी इमेज के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। उसको पढ़ने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक वर्ड की इमेज होती क्या है, व्हाट इज इमेज। आपको इतना नहीं पता होगा तो अपन वो डायरेक्ट टॉपिक पढ़ के क्या करेंगे। तो इमेज का हिंदी में तो मतलब होता है प्रतिबिंब। इमेज का हिंदी मतलब होता है प्रतिबिंब। अब मैं आपको जनरली सिंपल दो बातें बता रहा हूं, सिंपल सी दो बातें ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, आप जितनी भी चीजें देखते हो, जितनी भी चीजें देखते हो, आपको वो जब भी दिखाई देती है जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। पहला पॉइंट, आप कोई भी देख पा रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, इस मार्कर को देख रहे हो, बोर्ड को देख रहे हो, आप अपने आप को देखते हो या आसपास जो भी चीज देख रहे हो ना, वो आपको तभी दिखाई दे रही है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो चीज लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो आपको नहीं दिखाई देगी। तो सिंपल सी मतलब है, आपको वही चीज दिखाई देती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। आप एयर को देख सकते हो? नहीं देख सकते, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, उन पर लाइट आती है लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। वो लाइट आती है और लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते तो आपको एयर नहीं दिखाई देती, आप उसी चीज को देख पाओगे जो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को। अब लाइट को जब कोई चीज रिफ्लेक्ट करती है तो वो लाइट रेज, वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपकी आंखों में आती है। आंखों में आने के बाद आपके रेटिना पर मिलती है और फिर वो रेटिना से इमेज पहुंचती है आपके ब्रेन में और आप उस चीज को देख पाते हो। सिंपल सा ये प्रोसेस होता है। अब इमेज तो बोल दिया मैंने प्रतिबिंब, तो इमेज कैसे समझेंगे कि इमेज कैसे बनती है, क्या है इमेज। आपने समझा कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उससे इमेज बनेगी। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट से करोड़ों रेज निकलती है। एक ऑब्जेक्ट से करोड़ों रेज, आप अनुमान नहीं लगा सकते, बहुत सारी रेज निकलती है। क्योंकि तो मेरे से कहीं ना कहीं से बहुत सारी लाइट रेज आ रही है। मैंने यहाँ पर जो बल्ब लगा रखे उनसे लाइट रेज आ रही है, वो लाइट रेज मेरे ऊपर पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर मेरे से जा रही है। कोई एक रेज नहीं है, बहुत सारी रेज जा रही है। लेकिन ये सारी रेज जा रही है और मिल रही है, और उसकी वजह से मैं आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा हूँ। जो मेरी इमेज है वो आपके सामने बन रही है और आपको दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन अपन पूरी की पूरी रेज तो ड्रॉ कर नहीं सकते, इसीलिए अपन इमेज बनाना सीखेंगे मात्र दो रेज से, ओनली टू रेज से, केवल दो रेज लेंगे और ये दोनों रेज जहां बन रही होंगी वहां इमेज बन रही होगी। अब आता हूं मैं अपने इस टॉपिक पे। पहला मैंने जो बात बताई वापस बता रहा हूं, वही ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाए जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलते हैं, लेकिन समझने के लिए केवल दो रेज निकालेंगे किसी एक पॉइंट से, और वो दो रेज जहां मिलेंगी वहां पर ही इमेज बनती है, उसी पॉइंट को इमेज बोलते हैं। तो देखो इमेज क्या है। तो इमेज क्या है, इमेज इज ए पॉइंट। इमेज क्या होता है, इमेज इज ए पॉइंट। इमेज एक पॉइंट है where at least two reflected rays were actually meet or appear to meet. Appear to meet is called image. देखो इमेज क्या है, ये मैंने आपके सामने उसकी सिंपल डेफिनेशन रख दी। इमेज क्या होती है, इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कम से कम एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज का मतलब ऐसी रेज जो मेरे से टकराकर और वापस जा रही, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है उसके ऊपर इंसिडेंट हुई, टकराकर वापस जा रही है, वापस जाने वाली रेज को रिफ्लेक्टेड रेज बोला जाता है। तो एटलीस्ट दो रिफ्लेक्टेड रेज, कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मीट कर रही हूं। एक्चुअली का मतलब एक्चुअली मीट कर रही हूं, आपको मीट कराने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली मीट कर रही होंगी उसको, या तो एक्चुअली मीट कर रही होंगी या अपीयर टू मीट, या ऐसा प्रतीत हो रहा होगी क्या वो मीट कर रही होंगी। एक्चुअली नहीं कर रही हूं लेकिन ऐसा लग रहा होगी भाई मीट करेंगी या कहीं मीट कर रही होगी, तो उसको, उस पॉइंट को इमेज बोलते हैं, या बोल दो उसे इमेज बोलते हैं। इमेज क्या है, इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब ऐसी रेज जो किसी से टकराकर वापस आ रही, दो रिफ्लेक्टेड रेज, या तो एक्चुअली में मीट कर रही होंगी या रियली मीट कर रही होंगी, आपको मीट कराने की जरूरत नहीं है, या ऐसा कि वो लग रहा होगा, मीट तो नहीं कर, लग रहा होगा कि मीट कर रही है, अपीयर हो रहा होगा कि मीट कर रही होंगी, तो उस पॉइंट को या उस जगह उसी को इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, इमेज दो तरह की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज, देखो, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज।
एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। अब दोनों में फर्क क्या है ये देखते हैं अपन। सबसे पहली बात, रियल इमेज जो होती है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक मिरर बना लेता हूँ। मैंने एक मिरर बना लिया। ऐसे वर्चुअल इमेज को समझाने के लिए मैं यहाँ पर भी एक मिरर बना लेता हूँ। ठीक है, मां सपोज करो एक मिरर है। अब मैं कह रहा हूँ, मान लो रिफ्लेक्टेड रे आई और रिफ्लेक्टेड रेज आने के बाद इस मिरर से टकराई और टकरा कर वो ऐसे चल गई। मान लिया आपने, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो वापस आ रही होती है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। ऐसे यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे आ रही होगी और टकरा कर मान लो वो रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में आ रही है, वापस से इस डायरेक्शन में आ रही है। अब ये दोनों के रिफ्लेक्टेड रेज है, लेकिन आप देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज आगे जाएगी, ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे आएगी और टकरा के आगे जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे टकरा के आगे जाएगी, लेकिन ये किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही है। आपको दिख रहा होगा ये एक पॉइंट है, यहाँ पर मीट कर रही है। और जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती है, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती है, उसी पॉइंट पर बनती है बेटा इमेज। और इस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज, मतलब एक्चुअली मीट करी, आपको मीट कराने के लिए कुछ नहीं करा। रिफ्लेक्टेड रेज आई, इंसिडेंट रेज आई, रिफ्लेक्टेड रेज टकरा कर रिफ्लेक्टेड रेज बनी और आकर इस पॉइंट पर मिल गई, और इसी पॉइंट को बोलेंगे इमेज। और कौन सी इमेज? रियल इमेज। अब देखो वर्चुअल इमेज में, वर्चुअल इमेज में क्या होगा, मान लेते हैं ये एक रे थी जो इस सरफेस से टकरा कर इस डायरेक्शन में चल गई, ऐसे एक और रे थी जो इस सरफेस से टकरा कर इस डायरेक्शन में चल गई, आई होंगी टकरा कर इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर चल गई। अब आप बताओ ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहीं मिलेगी क्या? ये रिफ्लेक्टेड रेज इस डायरेक्शन में जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रेज इस डायरेक्शन में जाएगी, कहीं मीट कर सकती है? नहीं मीट कर सकती। लेकिन अगर अपन सोचें कि मान लो इन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए, इन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए, तो आपको पीछे मिलती हुई दिखाई देगी, प्रतीत होता होगा कि आपको पीछे कहीं मिल रही है। ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जैसे कैसे मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, देखो मैंने एक्सटेंड किया, ऐसे मैं इस रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करता हूँ पीछे की तरफ। अब आप समझो पीछे कहीं इस पॉइंट पर मिल रही होगी और इस पॉइंट पर क्या बनेगी? इमेज। और ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब आप समझ रहे होंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। इमेज क्या होती है? इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज, दो रिफ्लेक्टेड रेज या तो एक्चुअली मिलती है या अपीयर होकर मिल रही है, उसको बोलते हैं इमेज। रियल इमेज जब दो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मिले तो उसको बोलेंगे रियल इमेज। जब दो रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा लगे कि एक्चुअली नहीं मिल रही पर अपन जब इन्हें एक्सटेंड करेंगे तो पीछे कहीं मिल रही होगी, तो उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। एक और बात आपके सामने, ये पहला पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट और आप याद रखें, सेकंड पॉइंट क्या है कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। रियल इमेज जो बनेगी वो हमेशा उल्टी होगी, ऑब्जेक्ट जैसा होगा उससे उल्टी बनेगी, वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट या अपराइट भी बोल सकते हो। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसी बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। ठीक है, ये पॉइंट, वे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दो पॉइंट इसके अंदर भी सेकंड लिखे थे, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही हूं, एक्चुअली में मीट कर रही हूं, तो उसे रियल इमेज बोलेंगे। जब रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा अपीयर हो रहा होगा कि मीट कर रही होगी, तो उसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। क्लियर हो गया? अब अपन समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि इमेज कैसे बनाता है प्लेन मिरर और किस प्रकार की इमेज बनाता है प्लेन मिरर। देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखो बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर वैसा मिरर है जो आप घर पर अपना फेस देखने के लिए यूज करते हो डेली, जो अपन जिसमें अपना फेस देखते हैं, तैयार होकर स्कूल जाते हैं और डेली नहा धो के तैयार होते जब अपना फेस देखते हैं, तो वो जो मिरर है उसी मिरर को प्लेन मिरर बोला जाता है, क्योंकि उसकी जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है। ऐसे मिरर को प्लेन मिरर बोलते हैं। यानी कि डेली जो लड़कियां अपना मेकअप करती हैं बैठकर 24 घंटे मिरर, जिस मिरर के सामने बैठी रहती है, वो प्लेन मिरर ही होता है। डेली आप जो उस मिरर के अंदर जो इमेज देख रहे हो, वो इमेज कैसी इमेज? वो इमेज जो है वो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बन रही है। अब वो इमेज कैसी है मैं आपको इसमें बताऊंगा, उस इमेज का क्या करेक्टर है, रियल है वर्चुअल अभी बात करते हैं। लेकिन जो आप वो इमेज देखते हो
वो इमेज बन रही है किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा, वो एक प्लेन मिरर होता है। अब प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक मिरर लगा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले फैक्ट्री में मिरर लगाते हैं, तो मैंने मिरर लगा दिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ, मान लो कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है यहाँ पर, ये खड़ा कर दिया एक ऑब्जेक्ट, इसको दे देते हैं नाम ए और बी, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था ये मिरर है, अब मैं बोल देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपको बोला एक ऑब्जेक्ट से करोड़ों रेज निकलती है, उस पर बहुत बहुत सारी लाइट रेज आ गई, टकरा रही है, टकरा कर मिल रही होंगी कहीं, लेकिन अपने को समझना है तो समझने के पर्पस से अपन सिर्फ दो रिफ्लेक्टेड रेज लेंगे, दो। तो मैं इसके हेड से, इसके एक पॉइंट से, यानी कि इसके हेड से दो रिफ्लेक्टेड रेज निकाल देता हूँ, और जो इमेज बनेगी वो भी किसकी बनेगी, हेड की बनेगी, क्योंकि अपन रेज कहां से निकालेंगे, हेड से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एक रेज के हेड से, जो किसका हेड है, उससे इंसिडेंट कराता हूँ perpendicular to the mirror, मैंने सीधी incident करा दी। अब बताओ, सीधी incident करा दी, तो सीधी incident कराने के बाद, टकराने के बाद, mirror से टकराने के बाद ये ray कहाँ जाएगी? आप बताओ। देखो, इससे previous video मैंने आपको बताया था laws of reflection। जब भी कोई rays mirror पर incident करती, मान लो ऐसे incident करी, ठीक है, तो जिस point of incidence पर incident करेगी, जिस point पे incident करेगी, उस पर अपन क्या बनाएंगे? Normal, ये normal बना दिया। और यही क्या है, जो रे इंसिडेंट करती है उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब बताओ आप, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल आई बोलते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या? ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, दोनों एक ही जगह पे पैरेलल है एक दूसरे को, तो क्या एंगल होगा? जीरो। क्या एंगल होगा इनका? जीरो डिग्री। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? जीरो। वो भी जीरो होगा, तो रे आएगी टकरा के इसी डायरेक्शन में वापस चल जाएगी। तो इसमें भी ये होगा, ये भी परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये इस मिरर से टकराएगी और टकराकर इसी डायरेक्शन में क्या चल जाएगी? वापस चल जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, मैं क्या करता हूँ, दूसरी रे इंसिडेंट करा देता हूँ इसके ओरिजिन पर, इस मिरर के ओरिजिन पर इंसिडेंट करा देता हूँ। अब इस मिरर के ओरिजिन पर मैंने इंसिडेंट कराया, तो देखो ये और इस ओरिजिन, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, नॉर्मल हो गया, तो इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है? एंगल आई। इसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होकर चल जाएगी, यानी कि ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चल जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्टेड होकर चल जाएगी। ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे। एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दो रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं मीट करेंगे क्या आपके अकॉर्डिंग? बताओ, कहीं मीट करेंगे? आपको लगता है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं मीट कर सकते? कहीं मीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस तरफ जा रही, ये इस तरफ जा रही, दोनों क्या है? डाइवर्जिंग रे, कहीं मीट नहीं करेंगी। लेकिन मैंने आपको बताया था, जब आप इन्हें पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको पीछे कहीं मिलती हुई दिखाई देगी। जैसे मैं इसे पीछे एक्सटेंड करता हूँ, मैंने इसे पीछे एक्सटेंड कर दिया, अब ऐसे ही मैं इसे पीछे एक्सटेंड करूंगा तो दोनों कहीं मिलती हुई दिखाई देगी। और कहां? ये इस पॉइंट पर मिल रही है, देखो इस पॉइंट पर दोनों मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इस पॉइंट पर क्या बनेगी बेटा? इमेज। इस पॉइंट पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। इस पॉइंट पर बनेगी आपकी इमेज, समझ गए? अब बताओ, ये दोनों रेज इस पॉइंट पर मीट करी, तो अपन ने रेज कहां से निकाली थी? रेज निकाली थी हेड से, तो इमेज भी कहां, वहां किसकी बनेगी? हेड की बनेगी, सीधी सी बात है, यहां पर हेड बनेगा। और नीचे इसका हिस्सा होगा जो था, तो इसे बोलेंगे ए डैश, ऊपर से बोलेंगे बी डैश। ये थे इमेज। अब मैं आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं किसके, इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा उसके। पहला करेक्टरिस्टिक्स, आप बताओ, रेज को अपने आप मीट करी या आपने एक्सटेंड कराया फिर मीट करी? एक्सटेंड कराया, जब मीट करी, तो इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज। कैसी है? वर्चुअल इमेज, अभी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। दूसरा, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती? इरेक्ट, सीधी होती है, और सीधी ही बन रही है। ऑब्जेक्ट ऐसे था तो ऐसी इमेज बन रही, सीधी बन रही, इसलिए इमेज कैसी होगी? इरेक्ट, सीधी होगी। सेकंड पॉइंट बताते हैं, देखो जब आप अपना फेस उसके अंदर देखते हो, मिरर के अंदर, अपने आप को मिरर में देखते हो, तो आपका साइज बढ़ जाता है क्या? आप जितने रहते हो उतने तो दिखाई देते हो, या आप वैसे पतले और मिरर के अंदर जब देखते हो आपको बॉडी वगैरह दिखती है, आपकी मोटे दिखते हो आप, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जितने आप हो, जैसे आप हो, वैसे दिखाई देते हो। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या करेक्टरिस्टिक्स है किसके? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, करेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछा जाता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर के द्वारा बन रही इमेज उसके करेक्टरिस्टिक्स है। पहला करेक्टरिस्टिक आपको पता है, जो इमेज बनेगी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। दूसरा, इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट का साइज होगा। तीसरा, देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्ट यहां है, मिरर यहां है,
जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होगी, मान लेते हैं डिस्टेंस एक्स है, उतनी डिस्टेंस इमेज की मिरर से होगी, उतनी डिस्टेंस होगी। आप जब देखते हो मिरर में अपने आप को, जैसे जैसे आप पास जाते जाते हो तो डिस्टेंस डिक्रीज होती जाती है, इमेज भी पास आती जाएगी, जैसे जैसे दूर जाओगे इमेज भी दूर जाती जाएगी। इसका मतलब जितनी डिस्टेंस इमेज की ऑब्जेक्ट मिरर के साथ होगी, उतनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के किसके साथ होगी, मिरर के साथ होगी, दोनों डिस्टेंस बराबर होगी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, बराबर होगी। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कि आपने एक चीज नोटिस करी, यहां दिखा नहीं सकते, वो चीज मैं आपको दिखाता हूं। क्या कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपने शर्ट पहनी, उसमें यहां लोगो रखा रहता है, यहां लोगो लगा रहता है, तो इमेज के अंदर वो इस तरफ दिखाई देता है। क्यों? इसका कारण है कि जो इमेज आपकी वर्दी है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब आपका लेफ्ट साइड इमेज का राइट साइड होगा, इमेज का राइट साइड आपका लेफ्ट साइड होगा, इमेज जो है लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है, लेफ्ट राइट साइड बदल जाता है। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड होता है वो इमेज का लेफ्ट साइड होता है, जो ऑब्जेक्ट का राइट लेफ्ट साइड होता है वो इमेज का राइट साइड होता है। तो इमेज जो बनती है प्लेन मिरर के द्वारा वो बेटा लेटरली इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? Laterally inverted. कैसे होती है? Laterally inverted. This is all about image formation by plane mirror. एक बार वापस से दोहराते हैं। देखो, characteristics of the image formed by plane mirror. क्या-क्या characteristics होते हैं? मात्र जानते हैं थोड़ी सी देर में। वापस से। क्या? पहला characteristics. जो plane mirror के द्वारा जो image बनती है, वो virtual होती है, erect होती है। मतलब जो rays हैं, वो actually meet नहीं करती। अपन extend कराते हैं, ऐसा प्रतीत होता है को meet करें। तो virtual होती है, और virtual image वैसे कैसी होती है? Erect. Size of image. इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। हमेशा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होता है? बराबर। जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से, उतनी दूर इमेज काम रहेगी मिरर से। अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी? एक्स होगी। नेक्स्ट, इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। इमेज का लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट का राइट साइड होगा, और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज का राइट साइड होगा। इमेज लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगी। और ये सब थे करेक्टरिस्टिक्स किसके? प्लेन मिरर के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है मल्टीपल इमेजेस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल इमेजेस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन नेक्स्ट टॉपिक का नाम है। देखो, आप कई बार आपने देखा होगा कि मिरर्स की वजह से बहुत सारी इमेज बनती है, मल्टीपल इमेजेस बनती है। कैसे? देखो, अपन कभी भी जब दो मिरर्स को पैरेलल या एक साथ किसी एंगल पर अरेंज कर देते हैं, तो एक इमेज बनने की बजाय बहुत सारी इमेज बनती है। उसका कारण है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बार बार रिफ्लेक्शन होना। आपने एग्जांपल देखा होगा किसी हेयर सैलून के अंदर। जब आप किसी हेयर सैलून में जाओगे तो आप जब बाल कटाते हो तो बार-बार आपके पीछे वाले बाल दिखाने के लिए वो पीछे एक मिरर लेके खड़ा हो जाता है, और उस पीछे वाले मिरर की जो इमेज आपको सामने वाले मिरर में दिखती है, तो एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। ऐसे कई बार क्या होता है, जब छोटी सी शॉप होती है ना, तो उसमें वो शॉपकीपर क्या करता है, बहुत सारे मिरर लगा देता है। जैसे ही अपन उसके अंदर एंटर करते हैं तो उस मिरर उस शॉप का इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है कि वो दुकान बहुत बड़ी लगती है मिरर की वजह से। और आपने कई बार मूवीज में हाउस ऑफ मिरर देखे होंगे, सर्कस के अंदर आप गए होंगे तो आपके देखा होगा वहां पर हाउस ऑफ मिरर रहता है। जैसे उसके अंदर जाते हैं तो आपका बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है, और आपकी बहुत सारी इमेज बढ़ जाती है, और फिर आपको रास्ता ढूंढना होता है बाहर आने का वापस से, और आप ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी सारी इमेज है। और इमेज होने की वजह से क्या हो जाता है कि आपका रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है, आपकी इमेजेस बढ़ जाती है। जैसा कि आप नीचे से इमेज में देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो इंसान है, जो ये जोकर है, इसके कितने हो गए, बहुत सारी इमेजेस बढ़ गई। अब इसके रास्ता ढूंढ रहा है बाहर निकलने का। ऐसा आपने कई बार मूवीज के अंदर भी देखा होगा। अब ऐसा क्यों होता है ये जानते हैं अपन। तो पहली कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर अपन टू पैरेलल मिरर, यानी कि दो मिरर को पैरेलल रखते हैं, मान लो आपने क्या किया, दो मिरर्स को पैरेलल रख दिया। मैंने ये लिया एक मिरर, सपोज करते हैं, सेकंड मैंने लिया दूसरा मिरर,
ये मान लेते धो मेरा, और मैं इनके बीच में जस्ट एक कैंडल रख देता हूँ, ठीक है। देखो ये मैंने मिरर ले लिया, मान लेते हैं मिरर M1 है, ये मिरर 2 है, मैंने दो मिरर पैरेलल रख दिए और बीच में एक कैंडल रख दी, तो क्या होगा कि इस कैंडल से लाइट निकलेगी और लाइट निकलकर इस मिरर पर टकराएगी, जैसे रिफ्लेक्टेड लाइट इस मिरर पर टकराएगी यहाँ इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। अब क्या होगा, ये जो लाइट इस मिरर पर टकराएगी, इससे टकराने के बाद वापस इस ऑब्जेक्ट पर टकराएगी, इस मिरर पर टकराएगी और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, वापस से ये लाइट यहाँ से टकराकर इस पर टकराएगी, यहाँ पर तीसरी इमेज बन जाएगी, अब ये लाइट इससे टकराने के बाद यहाँ पर वापस इस इमेज पर टकराएगी, यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी, और ऐसा फिनोमेना चलता रहेगा और अनलिमिटेड इनफिनिटी तक इमेज बढ़ती रहेगी, बहुत सारी इमेज बढ़ती रहेगी। जैसा कि आपको यहाँ एक सिंपल सी मैं इमेज लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ आप देखो कि एक इमेज है जिसमें कैंडल की बहुत सारी इन्फिनिटी इमेज बन रही है, ऐसा होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो कैंडल है इससे पहली रे निकली वो यहाँ टकराई, वो जो रे थी वो टकराकर फिर इस मिरर पर चल गई, फिर इस मिरर से इस मिरर पर वापस आ गई, ऐसी इधर चल गई, तो जैसे जैसे रेज जाती गई तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुए, क्या हुए, बहुत सारे रिफ्लेक्शन हुए, एक रे की वजह से बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुए, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या बन गया, मल्टीपल इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस बन गई। और एक बात और, जो पहली इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल इमेज होगी, जो पहली इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की कुल एक्चुअल इमेज है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट की एक्चुअल रेज आएंगी और इमेज बढ़ जाएगी, लेकिन बाकी की इमेज इन इमेजेस का ही रिफ्लेक्शन है, इन इमेजेस का ही रिफ्लेक्शन है। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, दूर की इमेज को देखोगे तो दूर की इमेज कम ब्राइटर होती जाएगी, धीरे धीरे कम ब्राइटर होती जाएगी और कम दिखाई देने लग जाएगी आपको, लेकिन जो पास है इमेज वो काफी ब्राइटर होगी, तो ये भी फर्क पड़ता रहता है जब आप दो पैरेलल इमेज करते हो। तो आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल इमेज जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तब बढ़ती है। ऐसा ही एक केस और है, अगर आपको समझाया जाए कि अपन मल्टीपल इमेज बनने का, जब अपन क्या करते हैं, सेकंड के जब अपन टू मिरर्स को 90 डिग्री पर अरेंज कर देते हैं, 90 डिग्री पर या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जब दो मिरर्स को अपन परपेंडिकुलर, मान लो ये एक मिरर था M1 और ये दूसरा मिरर था M2, मैंने दोनों को 90 डिग्री पर लगा दिया, दोनों को 90 डिग्री पर लगा दिया, तो जो है मल्टीपल इमेजेस बनेगी। जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो मिरर को लगाने पर मल्टीपल इमेजेस बन रही है और आपको तीन इमेज दिखाई दे रही होगी। ऐसा कैसे हुआ, कैसे पता करें कि कितनी इमेज बनेगी, कितने डिग्री एंगल पर अगर मिरर लगाएं, तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो जब भी आप सर्टेन एंगल्स पर क्या लगाते हो, दो मिरर को लगाते हो, तो इमेजेस का डिफरेंस भी आता रहता है। ऐसे ही मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ आपको, अगर आपको पता करना है कि नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी अगर किसी फॉर्मूले पर किसी डिग्री पर दो मिरर को सेट किया गया है, तो एक फॉर्मूला है 360 बटे में एक्स माइनस वन, जो एक्स है ये क्या है, एक्स बताता है किस एंगल पर, एंगल बिटवीन टू मिरर, किस एंगल पर आपने दो मिरर को रखा है। जैसे कि मैंने यहां पर रखा है 90 डिग्री पर, तो 360 डिग्री बटे में 90 माइनस वन, जीरो से जीरो कैंसिल, 90 डिग्री पर रखा तो 9 4 36, 4 - 1 = 3, कितनी इमेज बनी है, 3। और आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि जब मैंने 90 डिग्री पर दो इमेज को रखा तो तीन इमेजेस बन रही, कितनी इमेजेस बन रही, 3, तो 3 ही बनती है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मैं दो मिरर को कितने डिग्री एंगल पर रखूं, 60 डिग्री इमेजेस रख देता, तो 60 डिग्री पर रख देंगे तो कितनी इमेजेस बनेगी, मैंने 60 डिग्री पर रख दिया मान लो, तो कितनी इमेजेस बनती है, M1 M2। तो इसके लिए वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेजेस क्या करो आप, 360 बटे में x माइनस वन, x क्या है, जितना एंगल है दो मिरर के बीच में, तो 360 अपॉन में 60 माइनस वन, अब 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 - 1 कितनी मिरर बनी, 5। आप देखो इमेज के अंदर भी देखो, आप दो मिरर मैंने जब 60 डिग्री पर अरेंज करे तो 5 इमेजेस बन रही, कितनी इमेजेस बन रही, 5। इसीलिए जैसे जैसे आपने देखा 90 डिग्री था तो 3 बन रही थी, 60 डिग्री का तो 5 बन रही है, जैसे जैसे एंगल को आप डिक्रीज करते जाओगे इमेजेस की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एंगल को आप बढ़ाने लग जाओगे इमेजेस की संख्या घटती जाएगी। इसीलिए नंबर ऑफ इमेजेस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन टू मिरर, जितना आप दो मिरर के बीच में एंगल बढ़ाओगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इमेजेस कम होंगे, जितना आप दो मिरर के बीच में एंगल घटाओगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इमेज बढ़ती जाएंगी। तो
आज के लिए बहुत हुआ, अपन ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नई अपडेट्स के लिए बने रहें चैनल के साथ। मैं जल्दी नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।